हेलो एवरीवन, सो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस पेपर 42 सॉल्व करेंगे जो मैंने डॉक्टर रंजीत सिंह के TGT इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट से लिया है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, द थिएटर्स वर रीओपनड इन 1660, When were they closed last? तो थिएटर्स जो थे वो रीओपन हुए थे 1660 में, तो उनको बताना है कि वो क्लोज कब हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1, द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, 1642। देन सेकेंड क्वेश्चन, हु इज़ द बेस्ट नोन एज द फाउंडर ऑफ द टैटलर? तो द टैटलर का हमें यह फाउंडर बताना है कौन है। सो क्वेश्चन नंबर 2, द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, रिचार्ड स्टील। देन क्वेश्चन नंबर 3, डॉक्टर जॉनसन्स द डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज पब्लिश्ड ऑन। तो हम सबको पता है डॉक्टर जॉनसन ने जो द डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लिखी थी, तो वो पब्लिश कब हुई थी यहाँ हमें वो बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 3, द करेक्ट आंसर विल बी हेयर, April 15, 1755। देन क्वेश्चन नंबर 4, द एक्सेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया टुक प्लेस इन, जो क्वीन विक्टोरिया का हमें बताना है एक्सेशन कब हुआ था। सो द करेक्ट आंसर विल बी हेयर, 1837। तो क्वीन विक्टोरिया कब से कब तक रही हैं, 1837 टू 1901, ये उनका कार्यकाल रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 5, सैम्यूल लैंगहॉर्न क्लेमेंस रोट अंडर द सिडोनिम ऑफ। तो सिडोनिम होता है एक तरह से जब कोई राइटर अपना खुद का नाम ना यूज करके अपना कोई एक अज्यूम नेम ले रख लेता है अपने वर्क को पब्लिश कराने के लिए, तो उसको हम सिडोनिम बोलते हैं। तो सैम्यूल लैंगहॉर्न बताना है, सैम्यूल लैंगहॉर्न क्लेमेंस उन्होंने किस नाम से अपने किस सिडोनिम को यूज करते हुए उन्होंने अपना वर्क लिखा। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, मार्क ट्वेन। देन क्वेश्चन नंबर 6, हु रोट अंडर द सिडोनिम ऑफ एरिक ब्लेयर, और एरिक ब्लेयर का सिडोनिम रख के किसने अपना वर्क लिखा है। सो क्वेश्चन नंबर 6, द करेक्ट आंसर विल बी ए, जॉर्ज ऑरवेल। और बाद में आपने कितना स्कोर किया ये भी मुझे प्लीज जरूर बताइएगा। सो फिगर ऑफ स्पीच बतानी है सेंटेंस में। सो सॉलिट्यूड, वेयर आर दे चार्म्स। तो इस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच बतानी है हमें। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, अपोस्ट्रोफी। तो अपोस्ट्रोफी वो होता है जब हम किसी लाइफलेस ऑब्जेक्ट को एड्रेस करते हैं, जैसे यहाँ सॉलिट्यूड है और सॉलिट्यूड को हमने एड्रेस किया है। और यहाँ पे मोस्टली क्या होता है, ऐसे वाला जो ये साइन है इसको भी हम यूज करते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क को। हर बार नहीं होता ये, लेकिन मोस्टली हम इसको यूज करते हैं अपोस्ट्रोफी में। देन क्वेश्चन नंबर 8, लाइफ सोरोज सिट एंड वीप। तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं कौन सा है। सो इसका करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जहाँ पे कोई लाइफलेस ऑब्जेक्ट को हम पर्सोनिफाई करते हैं, जैसे लाइफ सोरोज सिट एंड वीप। तो सिट एंड वीप ये एक ह्यूमन क्वालिटी है जिसको यहाँ पे किसने परफॉर्म किया है, लाइफ सोरोज ने। तो ये पर्सोनिफिकेशन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन किंग्स। तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, पर्सोनिफिकेशन। अब देखिए कितना इजी है, डेथ के बारे में बात हो रही है और डेथ के यहाँ बोला हुआ है हिज आईसी हैंड्स। पहली बात तो हिज हम किसके लिए यूज करते हैं, ह्यूमन बीइंग के लिए, बॉयज के लिए या मैन के लिए, और हैंड्स किसके होते हैं, वो भी ह्यूमन बीइंग के होते हैं। और यहाँ पे डेथ के लिए यूज किए हुए हैं, तो हमने डेथ को यहाँ पे पर्सोनिफाई कर दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पर्सोनिफिकेशन। देन क्वेश्चन नंबर 10, द मर्मरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स। तो फिगर ऑफ स्पीच इसमें कौन सा हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए हेयर, ओनोमेटोपोइया। सो ओनोमेटोपोइया वो होता है जहाँ पे हम किसी साउंड के बारे में बात करते हैं। तो द मर्मरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज,
तो ये यहाँ पे साउंड के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे हमारा ओनोमेटोपोया करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 11, हु कमेंटेड ऑन शेक्सपियर्स कॉमेडीज। तो शेक्सपियर की कॉमेडीज के बारे में किसने कमेंट किया है, ये शेक्सपियर हैज नो हीरोज, ही हैज ओनली हीरोइंस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज सी, जॉन रस्किन। तो जॉन रस्किन ने ये स्टेटमेंट दी है कि शेक्सपियर हैज नो हीरोज, ही हैज ओनली हीरोइंस। देन क्वेश्चन नंबर 12, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू वी फाइंड दीज लाइन्स। शेक्सपियर के कौन से प्ले में ये लाइन दी गई हैं, देयर नीड्स नो घोस्ट माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल इन दिस। तो ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं, सो क्वेश्चन नंबर 12 द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, हैमलेट। क्वेश्चन नंबर 13, टू विच कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स हैमलेट डज द फॉलोइंग डेस्क्रिप्शन अप्लाई। तो ये जो हम डेस्क्रिप्शन यहाँ बताने वाले हैं, ये हैमलेट के कौन से कैरेक्टर के लिए अप्लाई होता है ये यहाँ हमें बताना है। द टीडियस वाइसेकर हु मेडल्स हिज वे टू हिज डूम। तो ये जो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है ये कौन से कैरेक्टर के लिए है, द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, पोलोनियस। ये पोलोनियस के लिए है। देन क्वेश्चन नंबर 14, हु प्रेज्ड शेक्सपियर दस। तो शेक्सपियर की किसने प्रेज की है इन लाइन्स में, अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन दउ, दउ मीन्स हेयर शेक्सपियर आर्ट। तो इस दउ का मतलब होता है यू और इस आर्ट का मतलब होता है आर। तो यू आर फ्री, वी आस्क एंड आस्क, दउ स्माइलेस्ट एंड आर्ट स्टिल। तो ये जो लाइन्स बोली गई हैं शेक्सपियर के बारे में ये किसने बोली हैं, सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, मैथ्यू अर्नोल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर मैथ्यू अर्नोल्ड हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजिडी इज कॉल्ड द ट्रेजिडी ऑफ रिफ्लेक्शन। तो शेक्सपियर की जो कौन सी ट्रेजिडी को ट्रेजिडी ऑफ रिफ्लेक्शन कहा गया है, सो द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, हैमलेट। क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन पीटर बेल। तो इन सब में से जितने भी राइटर्स यहाँ दिए गए हैं उनमें से किसने पीटर बेल को लिखा था, सो 16 क्वेश्चन द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, वर्ड्सवर्थ। आई थिंक 1819 में ये पब्लिश हुआ था वर्क, तो ये वर्ड्सवर्थ ने लिखा था पीटर बेल, ये एक पोम है और आई थिंक रॉबर्ट साउदी के ऊपर इन्होंने कुछ इसमें लिखा था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है इसका। सो क्वेश्चन नंबर 17, वर्ड्सवर्थ हैज एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन ट्रांसमिग्रेशन ऑफ द सोल इन द पोम। तो कौन सी पोम में वर्ड्सवर्थ ने अपने व्यूज दिए थे, किसके ऊपर, ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सोल के ऊपर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज डी हेयर, ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी। ओके, और ये ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी ये पब्लिश हुआ था 1807 में, और इसको हाफ हाफ करके लिखा गया था, 1803 में हाफ लिखा गया था इसको और 1806 में हाफ फिर से लिखा गया था और 1807 में इसको पब्लिश करवाया गया था। देन 18 क्वेश्चन, विच ऑफ दीज ट्रैवल पोम्स बिलोंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इनमें से कौन सी ट्रैवल पोम है जो वर्ड्सवर्थ से बिलोंग करती है, सो जल्दी से सारे ऑप्शन पढ़ लीजिए आप लोग। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ए, डेस्क्रिप्टिव स्केचेस। एक ट्रैवल पोम है ये। देन क्वेश्चन नंबर 19, लिरिकल बैलेट्स अपीयर्ड विद। तो लिरिकल बैलेट्स में बताना है किसने कितनी पोम्स लिखी थी, सो द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, 4 पोम्स बाय कॉलरिज एंड 19 पोम्स बाय वर्ड्सवर्थ। तो जो लिरिकल बैलेट्स है इसमें टोटल कितनी पोम्स थी, 23, जिसमें से 19 तो वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी और 4 कॉलरिज ने लिखी थी। और लिरिकल बैलेट्स जब पब्लिश कब हुआ था, 1798 में, और इसके 4 पार्ट्स आए थे, जो कि एक 1800 में था प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स, उसके बाद 1802 में और लास्ट इसका 1805 में।
Then 20 question. The age of Milton had 3 kinds of poets. तो मिल्टन की जो एज थी उसमें 3 kinds of poets पाए जाते थे. तो कौन कौन से वो poets हैं वो हमें यहाँ बताना है. जल्दी से चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए आप. सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, मेटाफिजिकल, कवेलियर और प्यूरिटन. देन क्वेश्चन नंबर 21. हु कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड. तो मिल्टन के बारे में किसने बोला है कि गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड. सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेनिसन. क्वेश्चन नंबर 22. हु सेज अबाउट एलिजाबेथन पीरियड. तो एलिजाबेथन पीरियड के बारे में किसने बोला है. अ नोबल एंड पुसिसेंट नेशन राउजिंग हर सेल्फ लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैन आफ्टर स्लीप एंड सेकिंग हर इनविजिबल लॉक्स. तो ये जो लाइन्स हैं ये एलिजाबेथन पीरियड के बारे में बोली गई हैं. और किसने यहाँ पे बोली हैं ये. सो द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, जॉन मिल्टन. देन 23 क्वेश्चन. हु सेड सोनेट इन मिल्टन्स हैंड्स बिकम अ ट्रम्पेट. तो किसने बोला है ये कि जो सोनेट है वो मिल्टन के हैंड्स में क्या हो गया था, एक ट्रम्पेट बन गया था. सो 23 क्वेश्चन द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, वर्ड्सवर्थ. तो वर्ड्सवर्थ ने सोनेट के ऊपर ही लिखा था स्कॉन नोट द सोनेट. तो आई थिंक उसी में ये लाइन दी गई है. 24 क्वेश्चन. वीनस एंड एडोनिस इज अ पोम बाय. तो वीनस एंड एडोनिस किसकी पोम है. सो द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, विलियम शेक्सपियर. विलियम शेक्सपियर की लिखी गई पोम है ये वीनस एंड एडोनिस. उसके स्टार्टिंग के जो वर्क हैं उसी में ये है. और ये 6 लाइन्स स्टैंजा में लिखी गई है. ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि वीनस एंड एडोनिस कितने लाइन्स स्टैंजा में लिखी गई है. देन 25 क्वेश्चन. फ्रॉम वेयर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन. ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं. गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर बियर टू डिग द डस्ट एंड क्लोज्ड हेयर ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स एंड कर्स्ड बी ही दैट मूव्स माई बोन्स. तो ये जो लाइन्स हैं ये शेक्सपियर के टॉम के ऊपर लिखी हुई हैं. तो उसी में दिया हुआ है कि गुड फ्रेंड फॉर जीसस, जो मेरी जो मतलब इसको कब्र को हाथ लगाएगा उसको कर्स लगेगा और जो यहाँ से एक भी स्टोन नहीं हटाएगा उसको जो आशीर्वाद मिलेगा, इस टाइप से करके उन्होंने ही कुछ लाइंस अपनी टोम के ऊपर एनग्रेव करवाई हुई हैं. देन क्वेश्चन नंबर 26. वेयर फ्रॉम द लाइंस. ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं. फियर नो मोर द हीट ओ सन nor the furious winter's rages, thou thy worldly task hast done, home art gone and taken thy wages. So question number 26, the correct answer will be A here, Cymbeline. तो ये Cymbeline से ली गई हैं. ये जो lines हैं ये Shakespeare का work है Cymbeline. और I think 1609 to 1610 में इसको लिखा गया था. Then क्वेश्चन नंबर 27. वीनस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर हैज रिटन इन स्टैंजा ऑफ. देखिए आगे आया ये क्वेश्चन. वीनस एंड एडोनिस है ये कितने लाइन स्टैंजा में लिखा गया था. तो अभी ऊपर बताया है मैंने इसका जो करेक्ट आंसर है बी हेयर, ये 6 लाइन स्टैंजा में लिखा गया है. क्वेश्चन नंबर 28. टू विच कैटेगरी द टू वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ लुकरीस बिलोंग टू. तो रेप ऑफ लुकरीस और वीनस एंड एडोनिस ये दोनों शेक्सपियर की दो पोम हैं. तो इसमें बताना है कि कौन से टाइप में ये लिखी गई है, क्या जेनर है इसका. तो 28 का करेक्ट आंसर है ए हेयर, नैरेटिव पोम. तो ये नैरेटिव पोम्स हैं दोनों. 29 क्वेश्चन. वर्ड्सवर्थ्स प्रेल्यूड इज आ. तो वर्ड्सवर्थ का जो वर्क है प्रेल्यूड वो क्या है. सो इट्स अ ऑटोबायोग्राफिकल पोम. तो ये उनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोम है और ये 1805 में लिख करके इन्होंने कंप्लीट की थी, जिसको 1850 में आफ्टर हिज डेथ उनकी वाइफ है मैरी हचिनसन उन्होंने इसको पब्लिश करवाया था.
और ये जो प्रेल्यूड है ये भी नाम उन्हीं का दिया हुआ है। जो ये प्रेल्यूड पोम है ये वर्ड्सवर्थ ने अपने फ्रेंड कोलरिज को डेडिकेट की थी, और स्टार्टिंग में उन्होंने नाम भी इसका टू द कोलरिज ही रखा था। ओके, पोएम टू कोलरिज ये उन्होंने नाम रखा था इसका, जो बाद में इनकी वाइफ ने इसका नाम प्रेल्यूड कर दिया था और इसको पब्लिश कराया था 1850 में। सो 30 क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ रोट अ सोनेट लंडन 1802 ऑन, तो वर्ड्सवर्थ ने जो ये सोनेट लिखा था लंडन 1802 ये किसके ऊपर लिखा था? तो ये उन्होंने मिल्टन के ऊपर लिखा था जिसको वो अपना मास्टर मानते थे, और मिल्टन उनके आइडियल थे जिनके ऊपर उन्होंने ये सोनेट लिखा था लंडन 1802। तो सोनेट में कितनी लाइंस होती हैं? 14 लाइंस होती हैं, और जो लंडन 1802 था ये 1807 में पब्लिश करवाया गया था। देन 31 क्वेश्चन, होम डज वर्ड्सवर्थ रेफर टू इन दीज लाइंस, तो यहाँ पे किसको रेफर की गई है लाइंस? दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ड अपार्ट, तो ये जो लाइंस है ये वर्ड्सवर्थ ने लिखी हैं, और किसके लिए लिखी हैं उन्होंने? मिल्टन के लिए, अपने जो सोनेट में लंडन 1802, और इसका जो अदर नेम है वो है टू मिल्टन। तो ये जो टू मिल्टन या लंडन 1802 अपने सोनेट में मिल्टन के ऊपर ये लाइंस लिखी हैं, किसने? वर्ड्सवर्थ ने। 32 क्वेश्चन, द फर्स्ट वर्जन ऑफ द पोम रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802 वाज रिटन अंडर द टाइटल, तो जो फर्स्ट वर्जन था उनकी जो फेमस पोम है रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802, तो इसमें बताना है क्या टाइटल था उसका फर्स्ट वर्जन का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ए द लीच गैदरर। देन 33, हु सैड मिल्टन वाज ऑन द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, तो किसने बोला था मिल्टन के लिए? विलियम ब्लेक ने, जो पैराडाइज लॉस्ट में उन्होंने सैटन को बहुत ज़्यादा कैरेक्टर को उसके बढ़ा चढ़ा के दिखाया है, तो उसके लिए विलियम ब्लेक ने बोला था मिल्टन वाज ऑन द डेविल्स पार्टी, कि मिल्टन है वो डेविल्स की तरफ है, सैतानों की तरफ है, और उनको इसका खुद ही पता नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 34, हु प्रेज्ड मिल्टन इन हिज सोनेट लंडन 1802 इन दीज वर्ड्स, ये आई थिंक अभी ऊपर आया हुआ क्वेश्चन है ये, कोई बात नहीं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो हम फिर से देख लेंगे। तो ये दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, तो ये जो वर्ड्सवर्थ ने लिखा था, अच्छा वहाँ पूछा था किसके ऊपर लिखा था, और यहाँ पे पूछा है किसने लिखा था, तो ये वर्ड्सवर्थ ने लिखा था, और किसके लिए? मिल्टन के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 35, इन विच पोम वर्ड्सवर्थ हैज यूलोजाइज्ड मिल्टन इन दीज वर्ड्स, तो अपनी कौन सी पोम में वर्ड्सवर्थ ने यूलोजाइज होता है प्रेज करना, प्रेज किया था किसको? मिल्टन को। मिल्टन दाउ सुडस्ट बी लिविंग एट दिस आर, इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी, सी इज अ फेन ऑफ स्टेगनेंट वाटर्स, तो अपनी कौन सी पोम में उन्होंने ये लिखा था? तो यहाँ पे जो सी है ये भी पूछ लेते हैं, सी यहाँ किसके लिए? सिटी के लिए, कौन सी सिटी? लंदन। तो उन्होंने अपनी पोम लंदन 1802 में लिखा था। देखिए तीन क्वेश्चन आ गए हैं एक ही पोम से, इसका मीन्स क्या है कि हमें इस वाली पोम को अच्छे से इसका मीनिंग देखकर लाइन बाय लाइन पढ़ना है। 36 क्वेश्चन, सेवरल ऑफ गार्ल्सवर्दीज अर्ली नॉवल्स वर रिटन अंडर अ सिडोनिम ऑफ, तो गार्ल्सवर्दी के जो अर्ली नॉवल्स थे उन्होंने अपना कौन सा सिडोनिम यूज किया था, किस सिडोनिम के अंडर उन्होंने ये लिखा था? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जॉन सिंट जॉन। 37 क्वेश्चन, द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवल ऑफ गार्ल्सवर्दी, गार्ल्सवर्दी की फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवल कौन सी थी? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। देन 38 क्वेश्चन, विच नॉवेल ऑफ गार्ल्सवर्दी इज कंसिडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस, और गार्ल्सवर्दी की कौन सी नॉवेल उनका मास्टरपीस समझी जाती है?
सो दैट इज डी इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट. तो ये इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट ये उनकी फेमस पोएम है और यह उनका मास्टरपीस है. 39 क्वेश्चन द लिटरेरी आर्ट ऑफ डिमिनिशिंग अ सब्जेक्ट बाय मेकिंग इट रिडिक्यूलस एंड इवोकिंग टुवर्ड्स इट द एटीट्यूड्स ऑफ अम्यूजमेंट एंड स्कॉर्न इज कॉल्ड. सो ये लिटरेरी आर्ट हमें बताना है ये कौन सा है. सो इसका करेक्ट आंसर है सी पैरोडी. 40 क्वेश्चन व्हाट डज द टर्म कर्टिन ड्रेजर इंडिकेट्स इन ड्रामा. तो कर्टिन ड्रेजर कहाँ पे यूज होता है, ड्रामा में यूज होता है और ये क्या है. तो 40 क्वेश्चन द करेक्ट आंसर विल बी अ शॉर्ट प्ले बिफोर द मेन प्ले. कि पहले जो मेन प्ले दिखाया जाता है उससे पहले एक छोटा सा शॉर्ट प्ले दिखाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्टिन ड्रेजर. 41 क्वेश्चन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन एवेंट गार्डे. तो एवेंट गार्डे ये जो इम्पोर्टेंट टर्म है यहाँ, तो इसका हमें मीनिंग बताना है. सो 41 क्वेश्चन द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर न्यू राइटिंग दैट इज इनोवेटिव. देन 42 क्वेश्चन पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है ये. तो व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक. तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक हमें यहाँ बताना है ये क्या है. चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ लीजिए आप. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर टेक्निक विच डिपिक्ट्स द इनर थॉट्स एंड फीलिंग्स. एक ऐसी टेक्निक जो किस चीज़ को डिपिक्ट करती है, हमारी इनर थॉट्स को डिपिक्ट करती है और हमारी फीलिंग्स को डिपिक्ट करती है. 43 क्वेश्चन अनदर नेम फॉर वर्स लिब्रे. वर्स लिब्रे का अनदर नेम हमें बताना है. सो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज ए फ्री वर्स और ओपन वर्स. और ये जो वर्स लिब्रे है ये एक फ्रेंच वर्ड है. देन 44 क्वेश्चन निकोलस उडेल्स फर्स्ट प्योर कॉमेडी राल्फ रुइस्टर डुइस्टर केम इन. तो निकोलस उडेल की जो फर्स्ट प्योर कॉमेडी है, पूछ भी लिया जाता है कि फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी कौन सी है, तो राल्फ रुइस्टर डुइस्टर. और ये कब आई थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए अबाउट 1552. तो 1552 का वर्क है ये. 45 क्वेश्चन द फर्स्ट कंप्लीट ट्रेजेडी इन इंग्लिश गोरबोडक और फोरेक्स एंड पोरेक्स केम इन. तो ये फर्स्ट कंप्लीट ट्रेजेडी है इंग्लिश में गोरबोडक और फोरेक्स एंड पोरेक्स. तो ये कौन से ईयर में आई थी, इसका करेक्ट आंसर है ए 1561. ये 1561 में आई थी. तो याद रखना है हमें, कॉमेडी आई थी 1552 और ट्रेजेडी आई थी 1561. देन 46 क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज ऑफन कॉल्ड फॉर द इंग्लैंड नेशनल पोइट विलियम शेक्सपियर. तो इंग्लैंड के जो नेशनल पोइट रहे हैं विलियम शेक्सपियर, उनके लिए कौन सा टर्म यहाँ पे यूज किया जाता है. सो इसका सही आंसर है डी बार्ड ऑफ एवन. देन 47 क्वेश्चन हु रोड द सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी. तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ये बहुत फेमस बुक है शेक्सपियर के ऊपर, तो ये किसने लिखी थी, इसका करेक्ट आंसर है ए एसी ब्रैडली ने. और 1904 में ये वर्क आया था. सो 48 क्वेश्चन शेक्सपियर इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स डैश सॉरी साइलोक. तो साइलोक कौन से वर्क का कैरेक्टर है, पीजीटी का क्वेश्चन नहीं है, पीजीटी में आया हुआ है. तो साइलोक इज द फेमस कैरेक्टर ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस. और मर्चेंट ऑफ वेनिस 1596 में आया था. देन 49 क्वेश्चन हु इज नोन एज द फोर्थ विच अमंग शेक्सपियर्स विमेन कैरेक्टर्स. तो किसको फोर्थ विच के नाम से जाना जाता है, चौथी चुड़ैल के नाम से. सो द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर लेडी मैकबेथ. ये मैकबेथ का एक कैरेक्टर है, मैकबेथ की वाइफ है लेडी मैकबेथ. और
इस प्ले में थ्री विचेस को तो दिखाया गया है, लेकिन जो चौथी विचेस है वो लेडी मैकबेथ को बोला गया है। 50 question, द नेम ऑफ मैकबेथ्स वाइफ इन द शेक्सपियरियन प्ले। तो शेक्सपियर के जो प्ले में मैकबेथ की जो वाइफ है उसका नाम हमें यहाँ बताना है कौन क्या है। सो इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि नाम मेंशन नहीं है। कोर्डेलिया किंग लियर में है, कल्पुर्निया ये जूलियस सीजर की वाइफ है, और डेस्डिमोना ओथेलो की वाइफ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, नन ऑफ द अबव। 51 question, हु हैज स्पोकन द फॉलोइंग वर्ड्स इन शेक्सपियर्स मैकबेथ। तो किसने बोले थे शेक्सपियर के जो प्ले मैकबेथ में ये लाइन्स, द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर्स, इट इज़ द आईज ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर्स अ पेंटेड डेविल। तो 51 question, द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, नन ऑफ दीज। तो ये जो मैकबेथ प्ले में डंगन को मारने के लिए जब मैकबेथ खुद को प्रिपेयर नहीं कर पा रहा था, तो लेडी मैकबेथ ये लाइंस बोलती है कि द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर्स, कि जो सोया हुआ इंसान है या डेड इंसान है वो क्या है, एक तरह से पिक्चर के जैसा है, फोटो के जैसा है। क्यों? क्योंकि ना तो सोता हुआ इंसान अपने सेफ्टी के लिए कुछ कर सकता है और ना ही एक डेड पर्सन। और इट इज़ द आई ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर्स अ पेंटेड डेविल, और ये बिल्कुल बचकाना हरकतें हैं कि जो एक जो डेविल की पेंटिंग से, यानी कि अगर किसी शैतान की पेंटिंग बनी हुई हो उससे भी एक बच्चा डर जाता है। तो ये सिर्फ बचकाना हरकतें हैं, ऐसा बड़े इंसानों को शोभा नहीं देता। तो ये लेडी मैकबेथ अपने हस्बैंड को उकसाती है डंकन की मर्डर करने के लिए। तो इसमें नन ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा। 52 question, ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट द प्ले विच डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी टू विच द रेस्ट डू। तो PGT में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें बताना है तीन प्ले तो एक ही कैटेगरी से है और कोई सा एक प्ले इसमें ओड है, तो वो कौन सा है? द टेम्पेस्ट, क्योंकि द टेम्पेस्ट क्या है, एक कॉमेडी है, और इसमें बाकी तीनों जो ये वर्क हैं ये ट्रेजिडी हैं। हेमलेट की बात की जाए तो हेमलेट 1600 टू 1601 का वर्क है, ओथेलो 1603 टू 1604, और जो किंग लियर है ये 1605। ओके, एंड द टेम्पेस्ट 1611। तो इस तरह हमें इनकी डेट्स भी लर्न करके रखनी है, कितनी बार डेट्स भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। 53 question, हुम डज पोलोनियस सेंड टू फ्रांस टू स्पाई ऑन लर्टिस। तो यहाँ स्पाई ऑन का मतलब होता है जासूसी करना। तो पोलोनियस किसको फ्रांस भेजता है? अपने बेटे लर्टिस की जासूसी करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रेनाल्डो, रेनाल्डो को भेजता है वो। देन 54 question, हाउ मैनी कैरेक्टर्स डाई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले हेमलेट। तो हेमलेट में टोटल कितने कैरेक्टर्स की डेथ होती है? सो द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, 8 कैरेक्टर्स। तो 8 कैरेक्टर्स कैसे हैं, नाम भी सबके पता होने चाहिए। तो तीन तो हेमलेट की ही फैमिली से थे, उसके जो चाचा हैं क्लोडियस, हेमलेट, और उसकी जो मदर है गर्टरूड, तीन इधर से हो गए। फिर तीन हो गए पोलोनियस, पोलोनियस की बेटी ओफेलिया, और पोलोनियस का बेटा लर्टिस। तो टोटल 6 कैरेक्टर ये हो गए, और 2 कैरेक्टर जो हेमलेट के बेस्ट फ्रेंड थे, मतलब बेस्ट फ्रेंड नहीं कह सकते, उसके फॉल्स फ्रेंड थे, जिसको उसके चाचा ने हेमलेट के साथ इंग्लैंड भेजा था। तो टोटल 8 कैरेक्टर्स की इसमें डेथ हुई थी। 55 question, हु स्पीक्स द फेमस लाइन टू बी और नॉट टू बी सोलिलोकी। तो ये एक सोलिलोकी है, टू बी और नॉट टू बी, कि टू लिव और टू डाई, इसका जो मीनिंग है। तो ये किसने बोली थी? हेमलेट ने, और कब बोली थी? Act 3, Scene 1। 56 question, द लाइन मिल्टन दाउ सुडस्ट बी लिविंग एट दिस आर इज टेकन फ्रॉम। तो ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो ये लाइन ली गई है टू मिल्टन या लंडन 1802, दोनों एक ही वर्क हैं ये। तो ये वर्ड्सवर्थ का लिखा हुआ वर्क है, और जिसमें उन्होंने मिल्टन को ये डेडिकेट किया है
उनको इन्वोक करने के लिए वर्क लिखा गया है. 57 क्वेश्चन, हु ओपेंस देयर नीदर इज नोर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन. तो ये लाइन किसने लिखी थी कि जो लैंग्वेज ऑफ प्रोज है या जो मेट्रिकल कंपोजिशन है उन दोनों के बीच कोई भी एसेंशियल डिफरेंस नहीं हो सकता. सो ये जो लाइन्स हैं ये किसकी बोली हुई है, वर्ड्सवर्थ की. 58 क्वेश्चन, द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोम टिंटन एबे इज लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वाई ड्यूरिंग अ टूर July 13, 1798. Wordsworth revisited the place in 1798. When did he visit Tintern Abbey first time? तो इसमें जो Wordsworth की famous poem है Tintern Abbey, ये उसका पूरा title दिया हुआ है जो हमें अच्छे से learn कर लेना है. Lines composed a few miles above Tintern Abbey on revisiting the banks of the Wye during a tour July 13, 1798. तो देखिए यहाँ तक का कैरेक्टर है ये, यहाँ से यहाँ तक पूरा इसका पोम का नाम है. तो पूरा टाइटल ही हमें लर्न कर लेना है. तो वर्ड्सवर्थ जो रिविजिट किया था टिंटन एबे को 1798 में किया था, और फर्स्ट टाइम वो कब गए थे, 1793 में. ओके, फाइव ईयर्स लेटर वो गए थे वहाँ पे, और इन्होंने फिर ये पोम लिखी थी, ये लिरिकल बैलेट्स में पब्लिश हुई थी. 59 क्वेश्चन, हु हैज कॉल्ड वर्ड्सवर्थ अ मोरल यूनक. तो किसने वर्ड्सवर्थ को मोरल यूनक बोला था. सो द करेक्ट आंसर इज बी हेयर सैले. 60 क्वेश्चन, फोर बुक्स आर नॉट एब्सोल्यूटली डेड थिंग्स बट डू कंटेन अ पोटेंसी ऑफ लाइफ इन देम टू बी एज एक्टिव एज दैट सोल वाज हुज प्रोगेनी दे आर. तो 60 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर इज ए हेयर एरोपैगेटिका. तो एरोपैगेटिका की लाइन है ये, और ये वर्क उनका 1644 में आया था. 61 क्वेश्चन, डियर सन ऑफ मेमरी ग्रेट हेयर ऑफ फेम व्हाट नीडस्ट दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम एंड सो सेपल्चर्ड इन सच पॉम्प डोस्ट लाए दैट किंग्स फॉर सच अ टॉम्ब वुड विश टू डाई. तो ये लाइन्स बतानी है कहाँ से ली गई हैं. सो 61 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर इज डी हेयर ऑन शेक्सपियर. तो ऑन शेक्सपियर्स की लाइन है ये, डियर सन ऑफ मेमरी ग्रेट हेयर ऑफ फेम. ये वर्क था उन्होंने 1630 का वर्क है ये, जो 1632 में पब्लिश हुआ था एनानिमसली, मींस विदाउट एनी नेम. और ये जो शेक्सपियर का जो सेकंड फोलियो था 1632 में, उसमें ये वर्क मिल्टन के नाम के बिना, मींस एनानिमसली आया था, और 1630 में ये वर्क पब्लिश हुआ था. देन 62 क्वेश्चन, What kind of work is Samson Agonistes? तो Samson Agonistes ये मिल्टन का वर्क है, और इसका बताना है कौन सा काइंड है, मीन्स जेनर बताना है इसका. सो द करेक्ट आंसर इज ए हेयर वर्स प्ले. ये एक वर्स प्ले है, और 1671 में इसको पब्लिश करवाया गया था पैराडाइज रिगेंट के साथ. 63 क्वेश्चन, विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गाल्सवर्दीज प्रॉब्लम प्लेज. तो गाल्सवर्दी के प्रॉब्लम प्लेज की कौन सी इसमें विशेषता नहीं है. तो जल्दी जल्दी सभी ऑप्शन पढ़ लीजिए आप. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर नो असाइड्स और सोलिलोकी. तो उनके प्लेज में असाइड्स और सोलिलोकी का यूज नहीं हुआ है. अदरवाइज उन्होंने यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस और एक्शन का यूज किया है, डिवीजन किए हैं एक्ट और सीन के, और कैरेक्टर्स और डायलॉग वगैरह सब उनके प्लेज में दिखाया गया है. तो 64 क्वेश्चन, द रियल विलन ऑफ गाल्सवर्दीज प्लेज आर. तो जो गाल्सवर्दी के जो प्लेज थे उसका रियल विलन कौन था, सोशल इविल्स. ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. देन 65 क्वेश्चन,
ऑल प्लेज ऑफ गर्ल्सवर्दी आर, तो गर्ल्सवर्दी के जितने भी प्लेज थे वो क्या थे, सोशल ट्रेजिडी, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 66 क्वेश्चन, लो इज अ मैजेस्टिक एडिफाइस सेल्टरिंग ऑल ऑफ अस, ईच स्टोन ऑफ विच रेस्ट ऑन अनदर, तो कौन से वर्क से लिया गया है ये। 66, द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, जस्टिस, शेक्सपियर का जो फेमस प्ले है जस्टिस, वहां से ये लाइन ली गई है। 67 क्वेश्चन, गुड मैन डैश आर डिस्ट्रॉयड डेली अंडर अवर लॉ फॉर व्हाट ऑफ दैट ह्यूमन इनसाइट विच व्यूज देम एज दे आर पेशेंट्स एंड नॉट क्रिमिनल, तो ये लाइन बतानी है कौन से वर्क से ली गई है। सो 67 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी ए जस्टिस, तो जस्टिस प्ले से ही ये लाइन्स ली गई हैं। देन फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट ऑप्शंस, तो यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स डैश टू गो इनटू हिज सूटकेस, सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी एज। अगर यहाँ पे पेयर वर्ड नहीं आता तो यहाँ पे हम आर या वर का यूज करते, लेकिन यहाँ पे पेयर का यूज हुआ है तो पेयर के लिए हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स एज टू गो इनटू हिज सूटकेस। देन 69 क्वेश्चन, देयर डैश सम बुक्स इन हिज बैग, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हमें देखना है। तो ये जो देयर, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है हमारा, तो हम इसके लिए कौन सा सब्जेक्ट देखते हैं, ये वाला। तो हमारा जो बुक्स है ये प्लूरल है, तो हमें यहाँ कोई प्लूरल सब्जेक्ट ही लेना है। सो इसका करेक्ट आंसर है सी वर, तो देयर वर सम बुक्स इन हिज बैग, सो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। देन 70 क्वेश्चन, ही जम्प्ड ऑफ द बस व्हाइल इट, तो उसने जंप कर दिया बस से जबकि बस क्या कर रही थी, तो इट वॉज मूविंग, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 71 क्वेश्चन, द ट्री वाज, तो द ट्री वाज डैश विद फ्रूट्स, तो इसमें देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी हेयर, लेडन, द ट्री वाज लेडन विद फ्रूट्स, तो ये देखिए पैसिव वॉइस है और पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, वाज के साथ हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। 72 क्वेश्चन, आई विश आई डैश डेड, तो यहाँ देखिए जहाँ पे भी विश यूज होता है कि काश ऐसा होता या मेरी ये इच्छा है, तो उसमें हम क्या करते हैं, वर लगाते हैं, तो आई विश आई वर डेड, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 73 क्वेश्चन, द न्यूज ब्रॉडकास्ट गेव द डैश स्कोर इन द टेस्ट मैच, तो कैसा स्कोर दिया न्यूज ब्रॉडकास्ट ने, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी हेयर, लेटेस्ट स्कोर, ओके, लास्ट का यूज नहीं करेंगे, लेटेस्ट स्कोर का यूज करेंगे। देन 74 क्वेश्चन, आई एम डैश लॉसिंग माई स्पेक्टिकल्स, सो 74 क्वेश्चन द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, कंटिन्यूअली, तो आई एम कंटिन्यूअली लॉसिंग माई स्पेक्टिकल्स। देन चूज द एप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द गिवन idioms, तो यहाँ पे idioms दिए गए हैं जिसका हमें मीनिंग बताना है। सो वंस इन अ ब्लू मून, तो वंस इन अ ब्लू मून के लिए क्या यूज होगा यहाँ पे, द करेक्ट आंसर इज सी हेयर, ऑन रेयर ओकेशंस, ओके, तो वंस इन अ ब्लू मून क्या होता है, वेरी रेयरली, ओके, वंस इन अ वाइल, ये इसका सेंस जाता है। देन 76 क्वेश्चन, टू टर्न द टेबल्स, तो इसका जो करेक्ट मीनिंग हो जाएगा दैट इज डी, टू चेंज द सॉरी स्कीम। देन 77 क्वेश्चन, टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स, तो कितना बोल्ड वर्क है ये कि किसी बुल को उसके हॉर्न से पकड़ लेना, सो इसी से इसका मीनिंग निकाल लेंगे हम, बी,
टू फेस अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन बोल्डली, किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को कैसे फेस करना, बहुत बहादुरी से फेस करना। 78 क्वेश्चन ऑन द कार्ड्स, तो ऑन द कार्ड्स का जो करेक्ट मीनिंग है दैट इज प्रोबेबल, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट है। 79 क्वेश्चन टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, तो इसका करेक्ट मीनिंग हो जाएगा टू चेंज फॉर द बेटर। 80 क्वेश्चन टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, तो ओल्ड स्कोर्स को पे करना, इसका करेक्ट मीनिंग यहाँ पे क्या है, बी टू सेटल अ डिस्प्यूट, किसी झगड़े को सेटल करना। देन चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम, यहाँ पे सिनोनिम बताने हैं हमें, सिनोनिम क्या होते हैं, सेम वर्ड्स। तो 81 क्वेश्चन सीथ, तो सीथ का जो करेक्ट मीनिंग हो जाएगा दैट इज ए बॉयल और फर्मेंट। और जो सीथ का जो हिंदी मीनिंग है दैट इज उबलना, सीथ को क्या बोलेंगे, उबलना। तो ए करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, बॉयल एंड फर्मेंट। देन 82 लियाइसन, तो लियाइसन का हमें यहाँ करेक्ट मीनिंग बताना है, सो इसका करेक्ट मीनिंग है ए इंटीमेसी और कनेक्शन। और लियाइसन का जो करेक्ट हिंदी मीनिंग है दैट इज मेल जोल, किसी से जो मेल जोल बढ़ाना या कनेक्शन रखना दैट इज लियाइसन, तो इंटीमेसी और कनेक्शन। 83 क्वेश्चन स्टिमुलेट, तो स्टिमुलेट का करेक्ट मीनिंग है बी एनकरेज और इंस्पायर। और स्टिमुलेट का मीनिंग होता है उकसाना, उकसाना या किसी को एनकरेज करना। 84 क्वेश्चन प्रोन, तो प्रोन का करेक्ट मीनिंग बताना है यहाँ पे, तो इसका करेक्ट मीनिंग हो जाएगा ए प्रोस्ट्रेट और सुपाइन। प्रोन का जो मीनिंग होता है दैट इज झुका हुआ, एंड सुपाइन का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, लापरवाह। 85 क्वेश्चन प्रोपेंसिटी, तो प्रोपेंसिटी दैट मीन्स झुकाव, एंड द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, प्रेडिस्पोजिशन एंड प्रोक्लिविटी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज एप्रोप्रिएट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे हमें वन वर्ड्स बताने हैं, क्वेश्चन नंबर 86। वन हु कैन ईजिली बी डिसीव्ड, जिसको आसानी से डिसीव किया जा सकता है, दैट इज गुलीबल, इंटरल्यूड, इनवॉइस और हैकनेड। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, गुलीबल। 87 क्वेश्चन वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सुधारा नहीं जा सके उसको क्या बोलेंगे, बी इनकोरिजिबल। 88 क्वेश्चन वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेज, जो टू लैंग्वेजेज को बोल सकता है, दो भाषाओं को बोल सकता है उसको क्या बोलेंगे, बाइलिंगुअल। तो बाई का मतलब ही यहाँ पे दो होता है, और लिंगुअल मीन्स लैंग्वेजेज, दो लैंग्वेजेज को बोलने वाले को क्या बोलेंगे, बाइलिंगुअल। 89 क्वेश्चन वन हु कैन यूज ईदर ऑफ हिज हैंड्स विद ईज, जो अपने दोनों हाथों में से किसी भी हाथ को आराम से यूज कर सकता है, मीन्स दोनों हाथों को अच्छे से यूज करना जानता है वो, तो उसके लिए वन वर्ड क्या होगा, एम्बीडेक्स्ट्रस। 90 क्वेश्चन वन हु चैंपियंस द कोज ऑफ वुमेन, सो द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, फेमिनिस्ट। देन 91 क्वेश्चन, और यहाँ हमें क्या करना है, स्पेलिंग्स बतानी है, तो चारों ऑप्शन अच्छे से देख लीजिए आप।
तो द करेक्ट स्पेलिंग इज ए हेयर सफ्रगेट SUFFRAGETTE. देन 92 द करेक्ट स्पेलिंग विल बी बी सप्लीमेंट्री SUPPLEMENTARY. देन 93 क्वेश्चन, देखिए सभी स्पेलिंग्स PGT के एग्जाम में आई हुई हैं ये. 93 द करेक्ट स्पेलिंग विल बी सी हेयर सरफीट SURFEIT सरफीट. देन 94 क्वेश्चन, द करेक्ट स्पेलिंग इज SUPPURATE सपरेट SUPPURATE. देन 95 क्वेश्चन, सर्जरी SURGERY सर्जरी. देन टाइम टू अनसीन पैसेज, एक बार इसको जल्दी जल्दी रीड कर लेते हैं फिर इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे. द रिपोर्ट दैट यूनियन कैबिनेट कंसिडर्ड द ड्राफ्ट ऑफ अ बिल टू प्रोहिबिट द डेनिग्रेशन ऑफ वीमेन इन फोटोग्राफ्स एडवर्टीजमेंट्स एंड फिल्म्स इज वेलकम. देयर हैज बीन फॉर सम टाइम ग्रोइंग क्रिटिसिज्म ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ वीमेन इन दीज थ्री मीडिया एडवर्टीजमेंट्स इन द प्रिंट मीडिया एज वेल एज इन फिल्म्स एंड टेलीविजन फ्रीक्वेंटली रेली इन फेमिनाइन सेक्स अपील टू अट्रैक्ट अटेंशन टू द प्रोडक्ट्स और टू सजेस्ट दैट दीज प्रोडक्ट्स मेक कैसोनोवेस ऑफ ऑर्डिनरी मोर्टल्स. Things are even worse in films. Some of these unabashedly rally on sex for box office success, showing scantily attired women in provocative postures. In these as well as in many advertisements, women clearly appear as object of erotic stimulation. By showing heroes misbehaving with heroines and getting away with it, films invite emulation in real life, resulting in the molestation of women in public places. तो आई थिंक इसका मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया है आपको. 96 क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें. Denigration in the phrase denigration of women means, तो यहाँ पे हमें जो पैसेज में डेनिग्रेशन दिया हुआ है इसका हमें मीनिंग बताना है. सो इल ट्रीटमेंट एब्यूज स्कैंडलाइजिंग और टर्निसाइजिंग द गुड मेक इमेज. सो द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर टर्निसाइजिंग द गुड इमेज. देन अनअबैश्डली मीन्स openly, with great skill, indifferently, or with no sign of being ashamed. So the correct answer is D here, with no sign of being ashamed. 98 question. The passage says that the bill to prohibit media exploitation of women is being drafted, has been discussed in the Union Cabinet, has been made a law, or is going to create a lot of controversy. So the correct answer will be B here, has been discussed in the Union Cabinet. 99 question, the last sentence of the passage underline. तो जो last sentence था passage का उसका यहाँ बताना है. Harmful effect on bad films, the healthy influence of films, the fact that films have nothing to do with the society moral, and D, the need to teach morals through films. So
सो द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द फिल्म्स। तो पैसेज में बताया गया है कैसे जो अश्लील पिक्चर्स का यूज कर करके या गलत चीज़ों को दिखा करके फिल्मों में कैसे हमारी सोसाइटी को गलत दिखाया जा रहा है, इसमें सोसाइटी के लिए किस तरह से ये फिल्में आजकल हार्मफुल हैं। देन 100 क्वेश्चन, फेमिनाइन सेक्स अपीयर इज यूज इन एडवर्टीजमेंट्स टू। तो जो फेमिनाइन सेक्स का यूज जो अपील की गई है एडवर्टीजमेंट में, तो वो बताना है किस लिए की गई है। डिस्ट्रैक्ट द कस्टमर्स अटेंशन, एंटरटेन द कस्टमर्स, गेट द अटेंशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स एंड शो हाउ वेमेन एट होम वुड लाइक द प्रोडक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज सी हेयर, गेट द अटेंशन टू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, जिससे कस्टमर की अटेंशन को अपनी तरफ खींचा जा सके। सो चूज द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन एक्सप्रेशन। तो फॉरेन एक्सप्रेशन है ये, इनके हमें मीनिंग बताने हैं यहाँ। 101 इंटर एलिया, तो इंटर एलिया का करेक्ट मीनिंग हो जाएगा ए अमंग अदर थिंग्स। 102 क्वेश्चन, इप्सो फैक्टो, तो इप्सो फैक्टो मीन्स बी बाय द फैक्ट इट्सेल्फ। 103 मैन साना इन कॉर्पोर सैनो, तो इसका जो करेक्ट मीनिंग है यहाँ पे हमें बताना है, दैट इज अ हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी। 104 लेबर ओमनिया विंसेट, तो दैट मीन्स बी लेबर कंक्वेयर्स ऑल। 105 लेरोई मोट वाइव लेरोई, दैट मीन्स द किंग इज डेड लॉन्ग लिव द किंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स, तो यहाँ हमें एंटोनिम्स बताने हैं और एंटोनिम्स क्या होते हैं, ओपोजिट वर्ड्स। तो 106 क्वेश्चन फ्रूगल, तो फ्रूगल का यहाँ हमें एंटोनिम बताना है, सो लेविस डेविलिस हेलिस और वेनिस। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए लेविस। लेविस होता है ज़्यादा खर्चा करने वाला और फ्रूगल क्या होता है, मितव्ययी, जो सोच समझ के खर्चा करता है। देन 107 श्रिल, तो श्रिल का जो एंटोनिम हो जाएगा दैट इज बी मफल्ड और सॉफ्ट, इसका होता है बहुत ही सॉफ्ट साउंड, और श्रिल होता है एक बहुत तेज वाली जो चीख होती है उसको क्या बोलते हैं, श्रिल। देन 108 सेलिबेसी, तो सेलिबेसी का एंटोनिम हो जाएगा सी मैट्रिमोनी। तो सेलिबेसी क्या होता है, सन्यासी वाला जीवन, और मैट्रिमोनी क्या होता है, वैवाहिक जीवन। देन कैमोफ्लेज, तो कैमोफ्लेज का यहाँ पे हमें क्या बताना है, ओपोजिट वर्ड बताना है, सो दैट मीन्स रिवील। तो इसका जो ऑपोजिट वर्ड है दैट इज रिवील, और इसका जो हिंदी मीनिंग है दैट इज छलावरण। 110 इफेमिनेट, तो एफेमिनेट का हमें यहाँ ऑपोजिट बताना है, सो दैट मीन्स डी मैनली। तो एफेमिनेट होता है जो मैन होते हैं और उनका जो बिहेवियर होता है या उनका जो जेस्चर या पोस्चर होते हैं वो क्या है, बिल्कुल विमेन लाइक होते हैं, और मैनली क्या होता है, बिल्कुल जो मैन वाले जो पोस्चर होते हैं, मैन वाली जो बिहेवियर होता है दैट इज मैनली। देन चूज द ऑप्शन दैट सोज द करेक्ट यूज ऑफ प्रोवर्ब, तो इसमें करेक्ट प्रोवर्ब हमें बतानी है, तो जल्दी जल्दी सभी ऑप्शंस को पढ़ लीजिए आप। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए हेयर डेस्परेट कोजेज नीड डेस्परेट रेमेडीज। देन 112 किल नोट द गोज दैट लेज द गोल्डन एग्स। 113 सो सी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर, गॉड हेल्प्स
those who help themselves. Then 114. The correct answer is D. Fools rush in where angels fear to tread. So 115 question. A. God made the country and man made the town. Then next. Choose the form of verb used in the sentences. तो इसमें हमें verb form बतानी है कौन सी है. तो the sun shines brightly. तो यहाँ पे shines क्या है. Transitive, participle, intransitive और gerund. तो देखिए ट्रांसिटिव वो होते हैं जिसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा हो. इंट्रांसिटिव वो होते हैं जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगता है. पार्टिसिपल हमारे जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं जिसमें या तो पार्टिसिपल हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है या पास्ट पार्टिसिपल होता है या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल होता है. तो इसमें हम वर्ब को एज अ एडजेक्टिव यूज करते हैं. और जेरंड होता है जिन वर्ब्स में हम बाद में आईएनजी लगा देते हैं और उसका जो फंक्शन है नाउन की तरह हो जाता है, दैट इज जेरंड. तो यहाँ देख लेते हैं साइन के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब है. देन 117 हियरिंग द नॉइस द बॉय वॉक अप. तो इसमें हियरिंग बताना है कौन से वाली वर्ब है यहाँ पे. सो देखिए बाद में इसमें आईएनजी लगा हुआ है तो ये हमारी पार्टिसिपल वर्ब है. ओके ये पार्टिसिपल है हियरिंग द नॉइस और ये हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल है. और डोंट बी कन्फ्यूज विद जेरंड क्योंकि जेरंड में भी आई एन जी हम यूज करते हैं लेकिन उसका जो फंक्शन है वो नाउन की तरह होता है. जबकि पार्टिसिपल में क्या होता है या तो ये फंक्शन वर्ब की तरह देती है या फिर एडजेक्टिव की तरह. तो हियरिंग का जो फंक्शन है यहाँ पे वर्ब की तरह है तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है. 118 डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड्स ही लॉस्ट ऑल होप. तो यहाँ पे डिसीव्ड बताना है ये डिसीव्ड हमारा कौन सा वर्ब है. सो ये भी हमारा पार्टिसिपल है. ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है. देखिए डिसीव्ड डिसीव्ड में हमारा पास्ट पार्टिसिपल है. बाय हिज फ्रेंड ही लॉस्ट ऑल होप. ओके 119 स्टॉप मेकिंग अ नॉइस. यहाँ पे मेकिंग बताना है मेकिंग क्या है. सो 119 द करेक्ट आंसर इज डी हेयर जेरन. तो यहाँ देखिए स्टॉप हमारा वर्ब है और वर्ब के बाद हमें नाउन की जरूरत होती है और ये हमारा मेकिंग नाउन की तरह ही फंक्शन कर रहा है यहाँ पे. तो हमारा जेरन करेक्ट आंसर हो जाएगा. तो जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब नाउन का फंक्शन करे वहाँ जेरेंड आ जाएगा और यदि वो वर्ब का या एडजेक्टिव का फंक्शन करे तो वो पार्टिसिपल हो जाएगा. 120 टू अर इज ह्यूमन. तो यहाँ पे एर बताना है ये क्या है. तो 120 ऑप्शन ए इन्फिनिटिव, बी पार्टिसिपल, सी इंट्रांसिटिव एंड डी जेरेंड. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर इन्फिनिटिव. तो इन्फिनिटिव हमारे वो होते हैं जहाँ हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं. तो देखिए टू आया हुआ है यहाँ और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये हमारा इन्फिनिटिव हो गया. तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है. देन चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स एज डायरेक्टेड. तो यहाँ पे हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फाइंड आउट करनी है. जैसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बतानी है हमें इसकी ले की. तो ले की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कौन सी हो जाएगी. लेड लाई लेन और नन. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर लेड. तो ले लेड लेड. तो इसकी हमारी लेड फॉर्म यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी. ये हमारी प्रेजेंट फॉर्म होती है, ये पास्ट फॉर्म होती है और ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है. देन 122 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ लाई. अब लाई की हमें पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बतानी है. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर लेन. देन 123 क्वेश्चन द इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ बॉन्ड. तो बॉन्ड की हमें इन्फिनिटिव फॉर्म बतानी है. तो इन्फिनिटिव कौन सी होती है जहाँ भी बताया था टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए बियर.
तो यहाँ पे हमें फर्स्ट फॉर्म बतानी है, तो फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ, बियर। देन 124 द जेरन फॉर्म ऑफ रनिंग, तो जेरन फॉर्म कौन सी होती है जिसमें हम आईएनजी का यूज करते हैं, तो रन की जो जेरन फॉर्म है दैट इज डी रनिंग। 125 क्वेश्चन द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ फ्ली, तो फ्ली की हमें पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बतानी है, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी फ्लैड, फ्ली फ्लैड फ्लैड। ओके सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि इसमें मैंने चारों ऑप्शन ना यूज करके सीधे एक ही आंसर आपको बताया है, तो ये वाला मेथड आपको ज़्यादा अच्छा लगा, या फिर जो चारों ऑप्शन मैं बता के उसके बाद सही आंसर बताती हूँ वो वाला मेथड ज़्यादा अच्छा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर दें। आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, जब तक के लिए बाय।